आइए सुनते हैं कहानी दो बहनों की, इक्की और दुक्की। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दो केस वाली। दोनों बहनें अपनी अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दो केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको तो सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में चली गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच में आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। उसी से आवाज आ रही थी। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक दो बार कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कहां जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने के लिए पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सर से तौलिया हटाया तो उसने देखा उसके सर पर एक नहीं बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि उससे खाना खाया ही नहीं गया। वह तो बार बार बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के जैसे पंखी निकल आए और सरपट घर की तरफ दौड़ी। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधी जंगल की तरफ भागी। उसने न प्यासी झाड़ी की बात सुनी, न भूखी गाय की बात सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ बेटी, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सर से हटाया उसकी तो चीख ही निकल गई। दुक्की के दो ही बाल थे और वो भी झड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुबा दिए। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की और दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे।